हेलो एवरीवन दोस्तों, बीए प्रोग्राम एनईपी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। जो एग्ज़ाम आपके जून के सेकंड या थर्ड वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चों के 9 या कुछ बच्चों के 15 जून से। तो आपके एनईपी बीए प्रोग्राम के सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के हॉल टिकट रिलीज़ हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एग्ज़ाम अभी जुलाई में हैं, तो मे बी अभी अभी आपके हॉल टिकट नहीं आए हों। फिलहाल हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद जो UGPG एग्जामिनेशन हॉल टिकट का लिंक है, इसी लिंक पर जाकर आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ SOL का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर की मदद से चूज़ करना और अपना नाम एंटर करके आप शो बटन पर क्लिक करके अपना जो हॉल टिकट है वो देख पाओगे। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सेमेस्टर 4 वाले बच्चे का हॉल टिकट आपके सामने है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे डेट्स भी आप देख सकते हो और सेमेस्टर 2 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेमेस्टर 2 के बच्चे का हॉल टिकट का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे कुछ कुछ पेपर्स हैं सेक की कैटेगरी में, जिन पेपर्स का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल होगा। तो आपके एडमिट कार्ड में अगर इस तरह का आ रहा है कि इस पेपर का थ्योरी नहीं है, सिर्फ इंटरनल होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ 6 पेपर देने हैं, उस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर आपको नहीं देना। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इंग्लिश कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, हिंदी रंगमंच, कंप्यूटर साइंस के ये 3 सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इसका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही सिर्फ इवेल्यूएशन होगा, थ्योरी पेपर इन सब्जेक्ट्स का नहीं होगा। ऑलराइट, तो आप परेशान होने मत अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो उसकी डेट अगर नहीं लिखी हुई। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम हॉल में अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, चाहे कलर्ड ले जाओ या ब्लैक एंड वाइट, कोई दिक्कत नहीं है। इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है और कोई गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये लेकर जाना है। सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपके एंट्री हो जाएगी। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर किसी भी तरह की स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पर जो इन्विजिलेटर द्वारा अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाई जाती है उसे करना मत भूलिएगा। अपने रोल नंबर और नाम के आगे ही आपको सिग्नेचर करनी है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। बाकी यही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। लेट एंट्री अलाउड नहीं है, 30 मिनट तक मैक्सिमम लेट एंट्री अलाउड है, इसके बाद अलाउ नहीं करा जाएगा। अपने एग्ज़ाम हॉल का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या जिस भी रूट से आप जाना चाहो वो एडवांस में देखते हुए चलिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।